फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीवा फार्मा। तो आज हम वीडियो में देखेंगे कि गवर्नमेंट फार्मेसी जॉब की वैकेंसी 2023 में कहां-कहां से आई है। तो पहली जो वैकेंसी है वो है एएमसी से, यानी अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है 4 सितंबर से 18 सितंबर तक, यानी आप कल तक उसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसकी जो क्वालिफिकेशन वो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री ली है तो आप ऐसे ही इसकी एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा फार्मेसी किया हुआ है तो आपको 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस की जरूरत रहेगी। जिसमें जो वैकेंसी है टोटल 83 वैकेंसी आई है इस बार। अब दूसरी जो वैकेंसी देखेंगे वो है जूनागढ़ म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की, जिसके अंदर भी क्वालिफिकेशन सेम रहेगा, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए आप, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन फिलअप डेट है वो 18 सितंबर यानी कल से फिल करना शुरू हो जाएगा, टू 17 अक्टूबर तक वो फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो उसकी जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल 8 है। और जो तीसरी वैकेंसी है वो जीपीएससी के थ्रू आई है, ड्रग इंस्पेक्टर की, जो क्लास 2 की वैकेंसी है। ये जो सब है एएमसी और जूनागढ़ की, वो सब क्लास 3 की वैकेंसी है। अगर आप जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस बार ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और ऊपर से कोई मास्टर डिग्री की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो तो आप ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसकी फॉर्म फिलअप की डेट 15 सितंबर से 13 सितंबर तक एक्सेप्ट किए जाएंगे, जिसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 32 आई है। अब आइए सैलरी की बात देखें, तो ये क्लास 3 की जॉब है एएमसी जूनागढ़ 2, तो जो उसकी बेसिक पे स्केल है एएमसी एंड जूनागढ़ की वो लेवल 5 रहती है, यानी 29,200 से होती है, और उसकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 31,340 रहेगी। और जो जीपीएससी डीआई है वो क्लास 2 की एग्जाम है, यानी कि इसकी सैलरी इस सबसे ज्यादा रहेगी। और इसके अलावा देखें तो एम्स रायबरेली में भी इस बार वैकेंसी आई है, जो आप सब उसके भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे, जिसकी जो वैकेंसी है वो इस बार बहुत कम है। एम्स रायबरेली में टोटल 7 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। और अगर फीस की बात देख लें तो एएमसी जूनागढ़ और डी जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है या फिर कोई रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको इसकी कोई फीस नहीं भरनी है, लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 100 या 200 जैसी फीस रहेगी। लेकिन अगर एम्स रायबरेली में फीस की बात देखें तो उसमें जो अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उसको टोटल 3,000 रुपीज फी भरनी है और एक्स्ट्रा जीएसटी चार्ज रहेगी। और जो एससी एसटी कैटेगरी है उसके लिए 1,500 रुपीज की फी रखी गई है। और जो पीडब्ल्यूडी फिजिकल डिसेबिलिटी लोग है उसके लिए इस बार कोई फी नहीं है। अब उसके अलावा देखें तो आरएमसी की टोटल 17 वैकेंसी की पोस्ट थी, जिसकी फॉर्म फिलिंग करने की डेट अभी नहीं है, और वीएमसी की टोटल 20 पोस्ट थी। तो आप सब लोग अगर ये फॉर्म भरना चाहते हैं, इस वैकेंसी में जॉब लेना चाहते हैं, और अगर आपने आरएमसी वीएमसी के भी फॉर्म भर दिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो तक कनेक्ट रहना। थैंक यू फ्रेंड्स।